जब तक सूरज चांद रहेगा, देख सकते हैं अभी गणेश हंसदा जी की याद में पद यात्रा हो रही है और हमारे देश के पूर्व सैनिक भी साथ में हैं और साथ में देखिए सुरेंद्र टुडू एंड पूरी टीम और पीछे में गाना बाजा के साथ में बहुत ही एक्टिविटी और आज वाकई में एक सिहरन पैदा हो रहा है कि हम जिस गणेश हंसदा जी की शहादत दिवस को याद करते हुए आज फिर से उनके जन्मदिन में जो एकत्र हुए हैं, आज भारत देश के हर वो शहीद को सलाम है, सलाम है, सलाम है। गणेश जी के पिताजी माता परिवार के सदस्य अभी गणेश जी को याद करते हैं उन्हें शहीद का पिता की माता से तुम्हारे कहते हैं माँ तुम्हारे और हमारे लिए सफाई की बात यह है कि हम इस पर्व के साथ
हमारे लिए क्योंकि ये जो मौका आता है देश की सेवा करने का, ये पिछले लोगों को ही मिलता है। जन्म सार्थक हो जाता है वैसे माता पिताओं का भी, जीवन सफल हो जाता है उनका भी, जिनके घर में ऐसे सपोर्ट होते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए पूरी तरह से जीवन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जूम मत करना, ऐसे लेना। ये जहाँ पर शहीद गणेश माता की स्टैचू स्थापित की गई है और 23वां जन्म जयंती समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत ही ये दुर्लभ तस्वीर, बहुत ही आप देखिए, एक माला दे दीजिए, एक माला दे दीजिए। आप ये वीडियो लीजिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश के अंदर हमारे तमाम जवान जो रक्षा कर रहे हैं उनको भी आज इस मौके पर हम सल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। वैसे जवान जो अपने परिवार की फिक्र नहीं करते हुए देशवासियों की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और ऐसे मौकों पर अपनी जान की बलि देने के लिए भी वो पीछे नहीं हटते हैं, हमारे भारत के वैसे जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। बहरागोड़ा क्षेत्र का ये कसापलिया भाषा चौक और यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि अपने इलाके का एक बेटा देश की सेवा में अपना जान न्योछावर कर गया, आज उसकी जयंती है। ये खास मौका है, ये ऐतिहासिक पल है। राज्य में यहाँ एक तरफ शोक का लहर, कोरोना काल होने के बावजूद जो जन सैलाब हमारे शहीद गणेश माता को देखने के लिए उमड़ा, वो आज भी उन आंखों में एक इतिहास बना हुआ है।
हजारों हजारों की भीड़, बच्चे, मातृशक्ति परिवार के लोगों से मिलने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए जमशेदपुर से लेकर पूरे राज्य के जनप्रतिनिधि यहाँ आए और एक गणेश संघा नहीं हजारों गणेश संघा उसके कर्म से उनको याद कर पैदा होंगे। और हम हर वर्ष देखते हैं कि एक के बाद एक अच्छा प्रोग्राम गड्डाम वासियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा किया जाता है। आज एक समाज सेवी के द्वारा इस मूर्ति का स्थापना किया गया। बड़े ही भव्य तरीके से इसका सरकार के मंत्रियों ने अनावरण किया और आज उनके 23वें जयंती पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीर शहीद के जीवनी से, परिवार से हजारों गणेश संघा पैदा होंगे और हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। पूरे देश में 24 घंटे हमारे भारत की थल सेना, जल सेना और नव सेना हमेशा तैनात होकर सेवा देती रहती है। वो कभी हमें गुलाम होने की नौबत नहीं देती है बल्कि अपने सीने पर गोली खाकर अपने देश को सुरक्षित करती है। मैं उन तमाम वीर सैनिक साथियों को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को नमन करता हूँ जो गणेश जैसा लाल पैदा करके सीमाओं को भेजते हैं और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उनके भाई, उनके मित्र, उनके सहयोगी इस कार्यक्रम को आयोजन करने में महीनों से लगे रहते हैं और तब हम इस विकट गर्मी में भी आज उनकी जयंती पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम तीनों सेना से सम्मानित सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रतिनिधि गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब भी किसी सैनिक की शहादत होती है उनका सम्मान देना हम सबका परम कर्तव्य है और हम लोग हमेशा जब तक ईश्वर ने हमें सांस दिया है, जीवन दिया है, इनका सम्मान करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े छोटे से छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को मैं सबको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम एक मिसाल बन रहा है और आने वाले दिनों में लोग गणेश संघा की धरती को देखने के लिए देश के कोने कोने से आएंगे कि ऐसे वीर का सम्मान होता है, ऐसे वीर का जयंती मनाया जाता है। तब कोई भी सैनिक शहीद होने से कभी घबराएगा नहीं और हमारे देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहेगा, तभी जाकर हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकेंगे। मैं उन सभी माता बहनों का जिन्होंने अपने बेटे बेटा देता हूं कि हम लोग हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। एक बार जोरदार नारा होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गणेश माता का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। सभी हम जा रहे हैं शहीद गणेश संस्था जी के पार्क में, जो यहाँ भी कुछ जारी है प्रोग्राम। Thank you.
का, तो हम वहां जाते हैं कि जहां पर तीरंदाजी हो रहा है। ये देखिए यहां पे, ओके, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं तीरंदाजी का एकदम बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता यहां पर जारी है, जो कि हमारे झारखंड का प्रतीक है। और बहुत ही खूबसूरत ढंग से तीरंदाजी का निशाना साधते हुए तीरंदाज यहां पर मौजूद हैं, और एक नहीं सैकड़ों तीरंदाज यहां पर दिखेंगे। और मैं लास्ट में सबसे उनका नाम जरूर पूछूंगा। और ये देखिए सब लोग अपने अपने तीर और कमान को साथ में लेते हुए आए हैं। पता नहीं कितने तीर का कंपटीशन है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, वो खुद बताएंगे। देखते हैं किसका तीर निशाने पे लगता है। और बोर्ड बहुत ही छोटा दिया गया है, यानी कि बहुत ही छोटा है टारगेट, ये रहा। मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूं, और किसी किसी का तीर लग भी चुका है यहां पे, मतलब छह तीर लग चुके हैं। और कौन लकी विजेता होगा ये हम अभी देखेंगे। देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं तीरों का जाखीरा यहां पे एकदम मौजूद है। अभी तक इन्होंने अपना बाण को नहीं संजोया है। और यहाँ पे करीब करीब सात तीर दिख रहे हैं दोस्तों, और सात तीर में से एक भी सेंटर पॉइंट में नहीं लगा है। यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस सेंटर पॉइंट में लगना है ना, सेंटर पॉइंट में लगना है। और सेंटर पॉइंट में जो मारा वो विजेता पूरे झारखंड का होगा आज के दिन में। तो सेंटर पॉइंट ये देखिए छोटा सा है, सेंटर पॉइंट दिया गया है, और देखिए प्लास के माध्यम से निकाला जा रहा है इस सेंटर पॉइंट को, मतलब जो तीर गड़ा है, तो जिसका भी वो तीर है अपने रंग के अनुसार वो अपना चुनाव करते हैं। ये मेरा तीर है ईमानदारी से। ये जेनमन, मतलब कि देखा जाए तो पूरे अगर जेनमन तरीके से देखा जाए तो वो रूल्स नहीं लागू होता है, जो कि तीरंदाजी के झारखंड में जो हमारा चलता है या पूरे भारत में चलता है। लेकिन यहाँ पर बस एक ही रूल है, जिसका तीर सेंटर पॉइंट में लग गया इस पॉइंट में, ये पॉइंट में बीच में, बस उन्हीं को विजेता किया जाएगा। ये प्रयास अभी चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, जब तक किसी का तीर सेंटर पॉइंट में ना लग जाए। करते हुए पीठ पीछे नहीं बल्कि दुश्मनों से सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त करा। खबर मिलते ही पूरे राज्य में यहाँ एक तरफ शोक का लहर, कोरोना काल होने के बावजूद जो जन सैलाब हमारे शहीद दिनेश हांसदा को देखने के लिए उमड़ा, वो आज भी उन आंखों में एक इतिहास बना हुआ है। हजारों हजारों की भीड़ बच्चे मातृशक्ति परिवार के लोगों से मिलने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए जमशेदपुर से लेकर पूरे राज्य के जनप्रतिनिधि यहाँ आए। और एक गणेश हांसदा नहीं, हजारों गणेश हांसदा उसके कर्म से उनको याद कर पैदा होंगे। और हम हर वर्ष देखते हैं कि एक के बाद एक अच्छा प्रोग्राम गड्डाम वासियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा किया जाता है। आज एक समाज सेवी के द्वारा इस मूर्ति का स्थापना किया गया, बड़े ही भव्य तरीके से इसका सरकार के मंत्रियों ने अनावरण किया, और आज उनके 23वें जयंती पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है।
मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीर शहीद के जीवनी से, परिवार से हजारों गले फांदा पैदा होंगे और हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। पूरे देश में 24 घंटे हमारे भारत की थल सेना, जल सेना और नव सेना हमेशा तैनात होकर सेवा देती रहती है। वो कभी हमें गुलाम होने की नौबत नहीं देती है, बल्कि अपने सीने पर गोली खाकर अपने देश को सुरक्षित करती है। मैं उन तमाम वीर सैनिक साथियों को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को नमन करता हूँ जो गणेश जैसा लाल पैदा करके सीमाओं को भेजते हैं और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उनके भाई, उनके मित्र, उनके सहयोगी इस कार्यक्रम को आयोजन करने में महीनों से लगे रहते हैं और तब हम इस विकट गर्मी में भी आज उनकी जयंती पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम तीनों सेना से सम्मानित सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रतिनिधि गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब भी किसी सैनिक की शहादत होती है उनका सम्मान देना हम सबका परम कर्तव्य है और हम लोग हमेशा जब तक ईश्वर ने हमें सांस दिया है, जीवन दिया है, इनका सम्मान करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े छोटे से छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को मैं सबको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम एक मिसाल बन रहा है और आने वाले दिनों में लोग गणेश संघा की धरती को देखने के लिए देश के कोने कोने से आएंगे कि ऐसे वीर का सम्मान होता है, ऐसे वीर का जयंती मनाया जाता है। तब कोई भी सैनिक शहीद होने से कभी घबराएगा नहीं और हमारे देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहेगा, तभी जाकर हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकेंगे। मैं उन सभी माता बहनों का जिन्होंने अपने बेटे बेटा देता हूं कि हम लोग हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। एक बार जोरदार नारा होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी तक सेकंड नंबर में चलने वाले रंजीत हेमराम जी है ना, एकदम प्रयास जारी रखिए, अभी एकदम टारगेट में लगना चाहिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कम से कम, है ना, कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं तीरंदाजी का किस प्रकार से धनुष को सजाया जाता है और तीर को उस दिशा में भेजा जाता है। रंजीत अब की बार कर सकोगे एकदम पक्का? ये निशानी जाते हुए वो टारगेट है उनके जस्ट पीछे, देखते हैं कि किसका टारगेट। मिस हो गया भाई, मिस सेकंड टारगेट, कोई मारा है, आवाज आई है, बहुत सारे तीर, अगर कोई वहां इंसान खड़ा हो ना उसको भेदते हुए तीर पार हो जाएगी। ये तैयार है महिला मोर्चा और देखते हैं टारगेट बोर्ड में किसका निशाना लगता है।
वाओ, फर्स्ट टारगेट इज ग्रेट, एकदम आवाज आया, मतलब कि एकदम टारगेट में लगा है, मतलब खंभा में लगा है। ठीक है, प्रयास अच्छा है, फिर देखते हैं। वाओ ग्रेट, बहुत ही खूबसूरती से ये टारगेट, दो टारगेट पहुंच गया है। और यहां मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूं, दो टारगेट एकदम डन है। वाओ, आवाज आती जा रही है, देखते हैं। तीन टारगेट हो चुका है, वाओ चौथा टारगेट हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और जबरदस्त चीजें आपको देखने को मिल रही है। अपने टारगेट को देखते हुए ये कह सकते हैं, ये तो पुरुषों से भी बेहतर साबित हुई है, एकदम बेहतर कह सकते हैं। मतलब जो ये टारगेट जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये टारगेट अभी तक पुरुषों ने अचीव नहीं किया है, अभी तक पुरुषों ने अचीव नहीं किया ये टारगेट को, और लेकिन महिलाओं ने अचीव कर लिया है। तो देखते हैं इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आने वाली है, अभी और भी बाकी है। और इस प्रकार से डायरेक्शन, हवा का रुख और तीर का कहीं भी जाना, ये देखिए इस प्रकार से कहीं भी लगा हुआ है और इस ब्लास्ट द्वारा निकाला जा रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फर्स्ट प्राइज किसको मिलने वाला है, जबरदस्त प्राइज है ये, हम प्राइज देख सकते हैं। और स्टेज के पीछे में देख सकते हैं दशरथ हंसदा एंड सुरेंद्र टुड्डू एंड इनका क्या नाम है, लक्ष्मण टुड्डू, ये लड़की का क्या नाम है, उर्मिला मरांडी, ये आज नाइट शो करने जा रही और ऑर्केस्ट्रा, और जबरदस्त डांस होने वाला है। और गलवान वीर की शहीद गणेश हंसदा का ये हम देखने जा रहे हैं। और देखिए सीरीज में जो रखा हुआ है हम उसको पहले देखते हैं, वो है सिल जी नाम, जो कौन जीतेगा ये तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टूर्नामेंट चालू है, फुटबॉल टूर्नामेंट, और पब्लिक की बहुत भीड़ है।
देख सकते हैं और रात भर रंगारंग कार्यक्रमों से आज यह मंच सजा रहेगा। चलिए मंच की ओर जाते हैं और मंच में देखते हैं क्या है। शहीद के माता पिताओं को सम्मान। हमारे पूर्व सैनिक गण जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। शहीद के माता पिताओं को सम्मान। हमारे पूर्व सैनिक गण जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। देख सकते हैं हमारे सारे रिटायर्ड फौजी अफसर्स यहाँ पे मौजूद और गणेश संस्था के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इतने सारे मेहमान जो आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से। और सुरेंद्र जी का यह पूरा स्टेज में तहलका मचाते हुए ये पूरी रात जारी रहने वाली है। और ये देखिए हमारे सारे सर लोग हैं और साथ में ये ग्रुप फोटो हो रहा है। साथ में दीनी संस्था के साथ में हमारे एक सर भी हैं। सर का नाम क्या? डॉक्टर सर हैं, डॉक्टर संजय गिरी समाज सेवी के हैं और इन्होंने हर गणेश संस्था के संपूर्ण प्रोग्राम में बहुत जोर से पार्टिसिपेंट किए हैं, यानी कि गलवान वीर में भी काफी पार्टिसिपेंट किए हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हैं, ध्यान से देखिए सर संजय सर को ताकि। और यहाँ हमारे माता श्री आ चुकी हैं, गणेश जी की मम्मी एंड पापा।
और अच्छा ये सारे मम्मी पापा के साथ में यहाँ की मुखिया जी हैं, यहाँ की मुखिया जी हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर रंगमंच में ये आखिरी हिस्सा जो चल रहा है, यह सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब वर्षों के बाद में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, जबकि एक परिवार के लोग सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यह बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए सुरेंद्र जी देख सकते हैं हमारे सारे रिटायर्ड फौजी अफसर्स यहाँ पे मौजूद, और गणेश संस्था के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इतने सारे मेहमान जो आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से, और सुरेंद्र जी का यह पूरा स्टेज में तहलका मचाते हुए पूरी रात जारी रहने वाली है। और ये देखिए हमारे सारे सर लोग हैं, और साथ में ये ग्रुप फोटो हो रहा है, साथ में दिनेश संस्था के साथ में हमारे एक सर भी हैं। सर का नाम क्या है? डॉक्टर 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 सर हैं, डॉक्टर संजय गिरी समाज सेवी के हैं, और इन्होंने हर गणेश संस्था के संपूर्ण प्रोग्राम में बहुत जोर से पार्टिसिपेंट किए हैं, यानी कि गलवान वीर में भी काफी पार्टिसिपेंट किए हैं। इसके बारे में इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हैं, ध्यान से देखिए सर संजय सर को, ताकि और यहाँ हमारे माता श्री आ चुकी हैं, गणेश जी की मम्मी एंड पापा, और ये अच्छा ये सारे मम्मी पापा के साथ में यहाँ की मुखिया जी हैं, यहाँ की मुखिया जी हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर रंगमंच में ये आखिरी हिस्सा जो चल रहा है, यह सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब वर्षों के बाद में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, जबकि एक परिवार के लोग सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यह बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए सुरेंद्र जी कि ये गलवान वीर आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, हमारे काफी दर्शक थोड़ा नाराज व्यक्त कर रहे हैं कब आएगा, तो थोड़ा इसको भी थोड़ा सा जानकारी देते हैं शॉर्ट में। जी काफी लोगों की उत्सुकता मैंने देखी है, खुद मैं ही भी बहुत उत्सुक हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज हो, लेकिन जैसा मैंने पहले कमेंट किया था कि इस फिल्म को मैं पूरे भारतवर्ष में रिलीज करने वाला हूं, तो इस वजह से कुछ कागजी प्रक्रिया है जिसपे थोड़ी सी काम अटकी हुई है, जैसे सेंसर का कार्यक्रम है और हमारे जितने भी टेक्निकल कार्य है वो फाइनल टच पे है। मैं आशा कर रहा हूं कि बहुत जल्द ही इसका रिलीज डेट आपको मैं बताऊंगा, और इसके लिए खेद है, और मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से ज्यादा मुझे उत्सुकता है, क्योंकि फिल्म जितनी बार भी मैं देख चुका हूं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। और यहाँ हमारे राइटर है शशांक दा, उनसे भी राय जानते हैं। हेलो दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है गुरु जी सैमसन के इस चैनल में, और ये बड़े भाई बड़े प्यारे हैं, और मैंने बड़ी जल्दी घुल मिल भी जाते हैं, और आप लोग भी इनको बहुत प्यार दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर। अभी बात करते हैं ये इस गणेश हंसदा के जन्मदिन पर जो समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया, हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे, याद है आपको? यस यस। और उस दिन भी हमने बड़ा एंजॉय किया था, और आज भी एंजॉय करने वाले हैं बहुत ही, जिस तरह से अभी सुरेंद्र बता रहे थे ना, या पिछले साल से भी और जबरदस्त तरीके से यहाँ होने जा रहा है ये समारोह, जिसमें कई चीजें होंगी, और बिल्कुल इस वीडियो में इसको आप मिस मत करिए, पूरा आखिर तक आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बाकी वो फिल्म की जहाँ तक बात है गलवान वीर की, तो गलवान वीर बन गई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल बन के तैयार है। कुछ कुछ चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए आप लोगों से, थोड़ा धीरज रखिएगा, बस आने वाली है, और ये जो है ना धीमी आंच में पका है दोस्तों, टेस्टी तो होने वाला है बिल्कुल। और हाँ, इसके साथ ही बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज से शशांक दा का एक नया
ब्लॉग चैनल स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप इंटरटेनमेंट एंड न्यूज एंड ब्लॉगिंग टोटल चीज आपको देखने को मिलेगा। हमराही बिफोर यू, हाँ हमराही बिफोर यू, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा ऐसे हम लोग का कल्चरल का सारा कुछ इसमें मिलने वाला है आपको। बिल्कुल कि ये गलवान वीर आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, हमारे काफी दर्शक थोड़ा नाराज व्यक्त कर रहे हैं कब आएगा, तो थोड़ा इसको भी थोड़ा सा जानकारी देते शॉर्ट में जी। काफी लोगों की उत्सुकता मैंने देखी है, खुद मैं ही भी बहुत उत्सुक हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिलीज हो, लेकिन जैसा मैंने पहले कमेंट किया था कि इस फिल्म को मैं पूरे भारतवर्ष में रिलीज करने वाला हूं, तो इस वजह से कुछ कागजी प्रक्रिया है जिसपे थोड़ी सी काम अटकी हुई है, जैसे सेंसर का कार्यक्रम है और हमारे जितने भी टेक्निकल कार्य है वो फाइनल टच पे है। मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द ही इसका रिलीज डेट आपको मैं बताऊंगा और इसके लिए खेद है, और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से ज्यादा मुझे उत्सुकता है क्योंकि फिल्म जितनी बार भी मैं देख चुका हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। और यहाँ हमारे राइटर है शशांक दा, उनसे भी राय जानते हैं। हेलो दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है गुरु जी सैमसन के इस चैनल में, और ये बड़े भाई बड़े प्यारे हैं और मने बड़ी जल्दी घुल मिल भी जाते हैं, और आप लोग भी इनको बहुत प्यार दे रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर। अभी बात करते हैं ये इस गणेश हंसदा के जन्मदिन पर जो समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया, हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे, याद है आपको? यस यस। और उस दिन भी हमने बड़ा इंजॉय किया था और आज भी इंजॉय करने वाले हैं बहुत ही, जिस तरह से अभी सुरेंद्र बता रहे थे ना, या पिछले साल से भी और जबरदस्त तरीके से यहाँ होने जा रहा है ये समारोह, जिसमें कई चीजें होंगी, और बिल्कुल इस वीडियो में इसको आप मिस मत करिए, पूरा आखिर तक आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बाकी वो फिल्म की जहां तक बात है गलवान वीर की, तो गलवान वीर बन गई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल बन के तैयार है। कुछ कुछ चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए आप लोगों से, थोड़ा धीरज रखिएगा, बस आने वाली है। और ये जो है ना धीमी आंच में पका है दोस्तों, टेस्टी तो होने वाला है बिल्कुल। और हाँ, इसके साथ ही बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज से शशांकदा का एक नया ब्लॉग चैनल स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप इंटरटेनमेंट एंड न्यूज एंड ब्लॉगिंग टोटल चीज आपको देखने को मिलेगा। हमराही बिफोर यू, हाँ हमराही बिफोर यू, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा ऐसे हम लोग का कल्चरल का सारा कुछ इसमें मिलने वाला है आपको। बिल्कुल सर, एक बार वीडियो बना लीजिए, देख सकते हैं हमारे सारे रिटायर्ड फौजी अफसर्स यहाँ पे मौजूद, और गणेश संस्था के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इतने सारे मेहमान जो आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से, और सुरेंद्र जी का यह पूरा स्टेज में तहलका मचाते हुए ये पूरी रात जारी रहने वाली है। और ये देखिए हमारे सारे सर लोग हैं, और साथ में ये ग्रुप फोटो हो रहा है, साथ में दिनेश हंसदा के साथ में हमारे एक सर भी हैं। सर का नाम क्या? डॉक्टर 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 सर हैं, डॉक्टर संजय गिरी समाज सेवी के हैं, और इन्होंने हर गणेश हंसदा के संपूर्ण प्रोग्राम में बहुत जोर से पार्टिसिपेंट किए हैं, यानी कि गलवान वीर में भी काफी पार्टिसिपेंट किए हैं। इसके बारे में, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये है, ध्यान से देखिए सर, संजय सर को, ताकि, और यहाँ हमारे माता श्री आ चुकी हैं, गणेश जी की मम्मी एंड पापा, और ये बहन है, अच्छा मुख्य, ये सारे मम्मी पापा के साथ में यहाँ की मुखिया जी हैं, यहाँ की मुखिया जी हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर रंगमंच में ये आखिरी हिस्सा जो चल रहा है, यह सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह सब वर्षों के बाद में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, जबकि एक परिवार के लोग सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यह बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए सुरेंद्र जी, सर एक बार वीडियो बना लीजिए, देख सकते हैं हमारे सारे रिटायर्ड फौजी अफसर्स यहाँ पे मौजूद,
और गणेश संस्था के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इतने सारे मेहमान जो आए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से, और सुरेंद्र जी का यह पूरा स्टेज में तहलका मचाते हुए ये पूरी रात जारी रहने वाली है। और ये देखिए हमारे सारे सर लोग हैं, और साथ में ये ग्रुप फोटो हो रहा है, साथ में दीनी संस्था के साथ में हमारे एक सर भी हैं। सर का नाम क्या? डॉक्टर सर हैं, डॉक्टर संजय गिरी समाज सेवी के हैं, और इन्होंने हर गणेश संस्था के संपूर्ण प्रोग्राम में बहुत जोर से पार्टिसिपेंट किए हैं, यानी कि गलवान वीर में भी काफी पार्टिसिपेंट किए हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हैं, ध्यान से देखिए सर संजय सर को, ताकि और यहाँ हमारे माता श्री आ चुकी हैं, गणेश जी की मम्मी एंड पापा, और ये बहन है। अच्छा मुख्य ये सारे मम्मी पापा के साथ में यहाँ की मुखिया जी हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर रंगमंच में ये आखिरी हिस्सा जो चल रहा है, यह सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब वर्षों के बाद में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, जबकि एक परिवार के लोग सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और यह बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए सुरेंद्र जी करते हुए पीठ पीछे नहीं बल्कि दुश्मनों से सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त करा। खबर मिलते ही पूरे राज्य में यहाँ एक तरफ शोक का लहर, कोरोना काल होने के बावजूद जो जन सैलाब हमारे शहीद गणेश संस्था को देखने के लिए उमड़ा, वो आज भी उन आंखों में एक इतिहास बना हुआ है। हजारों हजारों की भीड़ बच्चे मातृशक्ति परिवार के लोगों से मिलने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए जमशेदपुर से लेकर पूरे राज्य के जनप्रतिनिधि यहाँ आए, और एक गणेश संस्था नहीं हजारों गणेश संस्था उसके कर्म से उनको याद कर पैदा होंगे। और हम हर वर्ष देखते हैं कि एक के बाद एक अच्छा प्रोग्राम गड्डाम वासियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा किया जाता है। आज एक समाज सेवी के द्वारा इस मूर्ति का स्थापना किया गया, बड़े ही भव्य तरीके से इसका सरकार के मंत्रियों ने अनावरण किया, और आज उनके 23वें जयंती पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीर शहीद के जीवनी से, परिवार से हजारों गणेश संस्था पैदा होंगे, और हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। पूरे देश में 24 घंटे हमारे भारत की थल सेना, जल सेना और नव सेना हमेशा तैनात होकर सेवा देती रहती है। वो कभी हमें गुलाम होने की नौबत नहीं देती है, बल्कि अपने सीने पर गोली खाकर अपने देश को सुरक्षित करती है। मैं उन तमाम वीर सैनिक साथियों को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को नमन करता हूँ जो गणेश जैसा लाल पैदा करके सीमाओं को भेजते हैं और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उनके भाई, उनके मित्र, उनके सहयोगी इस कार्यक्रम को आयोजन करने में महीनों से लगे रहते हैं, और तब हम इस विकट गर्मी में भी आज उनकी जयंती पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम तीनों सेना से सम्मानित सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रतिनिधि गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब भी किसी सैनिक की शहादत होती है, उनका सम्मान देना हम सबका परम कर्तव्य है, और हम लोग हमेशा जब तक ईश्वर ने हमें सांस दिया है, जीवन दिया है, इनका सम्मान करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े छोटे से छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को मैं सबको नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम एक मिसाल बन रहा है, और आने वाले दिनों में लोग गणेश संस्था की धरती को देखने के लिए देश के कोने कोने से आएंगे कि
ऐसे वीर का जयंती मनाया जाता है तब कोई भी सैनिक शहीद होने से कभी घबराएगा नहीं और हमारे देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहेगा, तभी जाकर हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकेंगे। मैं उन सभी माता बहनों का जिन्होंने अपने बेटे बेटा देता हूँ कि हम लोग हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। एक बार जोरदार नारा होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोर्ड है और इसी में निशाना अभी साधने वाला है तीरंदाजी का, तो हम वहां जाते हैं कि जहां पर तीरंदाजी हो रहा है। ये देखिए यहां पे, ओके, सुर सुर तक चला तो फ्रेंड्स देख सकते हैं तीरंदाजी का एकदम बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता यहाँ पर जारी है, जो कि हमारे झारखंड का प्रतीक है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से तीरंदाजी का निशाना साधते हुए तीरंदाज यहाँ पर मौजूद हैं और एक नहीं सैकड़ों तीरंदाज यहाँ पर दिखेंगे। और मैं लास्ट में सबसे उनका नाम जरूर पूछूंगा। और ये देखिए सब लोग अपने अपने तीर और कमान को साथ में लेते हुए आए हैं। पता नहीं कितने तीर का कंपटीशन है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो खुद बताएंगे। देखते हैं किसका तीर निशाने पे लगता है। और बोर्ड बहुत ही छोटा दिया गया है, यानी कि बहुत ही छोटा है, टारगेट ये रहा। मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ और किसी किसी का तीर लग भी चुका है यहाँ पे। अब तक लगभग जो दिखा है वो 6 तीर लगे हैं वो टारगेट पे, मतलब 6 तीर लग चुके हैं। और कौन लकी विजेता होगा ये हम अभी देखेंगे। देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं तीरों का जाखीरा यहाँ पे एकदम मौजूद है। अभी तक इन्होंने अपना बाण को नहीं संजोया है और गणेश जी के पिताजी माता परिवार के सदस्य अभी गणेश जी को याद करते हुए उन्हें चलो जो पटा थे। अभी शहीद गणेश के माता पिता परिजन शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए शहीद गणेश संस्था की माता श्री कहें तो ये जो तस्वीर है हम हमेशा संजोकर रखना चाहेंगे। इस तरह के दृश्य दुर्लभ होते हैं। चुमोरा कहते हैं माँ चुमोरा माल्यार्पण कर अपने साधु को अपने बेटे को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये तस्वीर बहुत ही दुर्लभ विलक्षण और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हम इस पल के साक्षी हैं, इस पल के गवाह हैं। ये सबसे बड़ी बात है और ऐसे पलों को कभी हम गवाना नहीं चाहते।
हमारे लिए वही ख्वाहिश लेकर उस पल को हम भी देखेंगे, क्योंकि ये जो मौका आता है देश की सेवा करने का, ये बिरले लोगों को ही मिलता है। जन्म सार्थक हो जाता है वैसे माता पिताओं का भी, जीवन सफल हो जाता है उनका भी जिनके घर में ऐसे सपोर्ट ले रहे। इन तस्वीरों में आप देखिए पूरी तरह से जीवन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जूम मत करना ऐसे लेना, ये जहाँ पर शहीद गणेश माता स्टेच्यू स्थापित की गई है और 23वां जन्म जयंती समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। बहुत ही ये दुर्लभ तस्वीर, बहुत ही आप देखिए, एक माला दे दीजिएगा, एक माला दे दीजिएगा। आप ये वीडियो लेंगे शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश के अंदर हमारे तमाम जवान जो रक्षा कर रहे हैं उनको भी आज इस मौके पर हम सल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। वैसे जवान जो अपने परिवार की फिक्र नहीं करते हुए देशवासियों की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और ऐसे मौकों पर अपनी जान की बलि देने के लिए भी वो पीछे नहीं हटते हैं, हमारे भारत के वैसे जवानों को हम सैल्यूट। बहरागोड़ा क्षेत्र का ये कसापलिया भाषा चौक और यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि अपने इलाके का एक बेटा देश की सेवा में अपना जान न्योछावर कर गया, आज उसकी जयंती है। ये खास मौका है, ये ऐतिहासिक पल है